हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे मोज़रेला चीज़ घर में कैसे बनाते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 2 लीटर मिल्क लिया है, दूध को उबाला नहीं है, ये कच्चा दूध है। अब हम यहाँ पे चूल्हा ऑन कर लेते हैं और दूध को हमने इतना गर्म करना है कि जब हम दूध में उंगली डिप करें तो आसानी से हम फिंगर को जो है दूध के अंदर बर्दाश्त कर सके। दूध को हमने गरम इतना करना है कि हम जब इसमें उंगली डिप करें तो हम बर्दाश्त कर सके। तो दूध हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है, 8 मिनट लगे थे हमारे दूध गरम होने में। अब हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर डालना इसका मेन जो चीज़ है, एक तो दूध का ख्याल रखना, दूसरा विनेगर। विनेगर मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून विनेगर लिया है। अब मैं यहाँ पे कम कम करके इसमें डालती जाऊँगी और चम्मच चलाती रहूँगी। तो देखें, अगर कम पड़ गया तो मैं इसमें और भी विनेगर यूज करूँगी। तो विनेगर हमने इसमें पूरा विनेगर इसमें हमने डाला है। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो देखिए दूध का जो कलर है वो थोड़ा चेंज होने लगा है और दूध बिल्कुल फटने लगा है। तो देखिए चीज़ बन रही है। तो बस इसी तरह अब हम इस चीज़ को निकाल के किसी बर्तन में डालेंगे। इस पानी को आपने फेंकना नहीं है, ये बहुत ही यूज़फुल पानी है। आप चाहे तो आटे में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सब्ज़ी किसी में भी आप डाल सकते हैं। तो देखें, मैं यहाँ निचोड़ निचोड़ के इसमें से पानी मैंने अलग किया और अब मैंने यहाँ पे सेकंड प्रोसेस में ये करना है कि पानी को हमने बहुत तेज़ गर्म करना है और इसको इतना गर्म करना है कि हम अगर पानी में उंगली डिप करें तो बर्दाश्त ना कर सके। तो अब मैं यहाँ पे चीज़ को देखें अच्छे से निचोड़ निचोड़ के इसमें से सारा जो पानी है वो मैं निकाल लेती हूँ और इसको खोल खोल के अंदर तक इसको अच्छे से मैं निचोड़ रही हूँ ताकि सारा जो दूध का पानी है वो पूरा निकल जाए। तो देखें, मैंने यहाँ पे बर्तन में भर के मैंने एक निकाला है। अब हम इस चीज़ को बिल्कुल जो तेज़ गर्म पानी है हम इसमें डालेंगे। तो 5 से 8 मिनट तक हम इसी पानी में इसको अच्छे से डुबोते रहेंगे और इसको निचोड़ते रहेंगे। तो देखें, अब मैं फिंगर डिप कर रही हूँ, पानी बहुत गर्म हो गया है, चूल्हा मैंने यहाँ पे ऑफ कर लिया। अब हम इसको अच्छे से इसी तरह इसको धोएंगे। बस दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक तो दूध को ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। अगर हम दूध को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो चीज़ नहीं बल्कि पनीर बनेगा। तो देखें, थर्ड प्रोसेस में भी हमने यही करना है। अब मैं यहाँ पे पानी को बिल्कुल हल्का गर्म करूँगी, ज़्यादा तेज़ नहीं। तो आप खुद देखें इसमें कितना सारा लचीलापन आया है। तो देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चीज़ जो है वो बन के तैयार है, बिल्कुल बाजार जैसा। 3 दफ़ा यहाँ पे हमने पानी चेंज कर लिया है। हम इसको भी अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पानी जो है वो हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम इसको भी इसमें डाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नमक ले रही हूँ, 1 स्पून। नमक लेने से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और जो सिरके की जो एक खुशबू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है इसमें। तो अब हमने यहाँ पे नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया, पानी बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखो चीज़ को खोल खोल के इसमें डाल रही हूँ ताकि इसमें जो हवा वगैरह है वो भी निकल जाए और अंदर तक अच्छे से वॉश हो जाए। तो देखिए इसमें से अभी भी दूध निकल रहा है अंदर। तो बस इसको इसी तरह निचोड़ निचोड़ के इसको अच्छे से खोल खोल के इसको वॉश करेंगे। अब लास्ट में मैं यहाँ पे नॉर्मल वाटर लूँगी और उससे एक दफ़ा फिर से इसको वॉश करूँगी। तो देखें, हमने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल वाटर लिया है, बस इसमें थोड़ा सा हम वॉश करेंगे। तो चीज़ बिल्कुल रेडी है।
अब मैं यहाँ पे रैपर रेप से इसको अच्छे से बंद कर लूँगी और डीप फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। तो देखें इसमें से, फिर मैं इसमें इसको निचोड़ रही हूँ तो इसमें से ज़रा भी पानी नहीं निकल रहा है, मतलब चीज़ जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो किसी मलमल के कपड़े में भी इसको अच्छे से बंद करके रख सकते हैं, या फिर किसी बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखें जिसमें अंदर हवा न जाए और ये बिल्कुल बंद हो जाए। तो देखें मैंने यहाँ पे इसको पैक कर लिया है, अब हम रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 5 घंटे बाद, या आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। तो बस इसको अच्छे से बंद करना चाहिए। तो 5 घंटे पूरे हो गए हैं, चीज़ बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक स्लाइस का पीस लिया है जिस पे मैं इसको आपको दिखाऊंगी। तो देखें अब हम यहाँ पे इसको मैश कर लेते हैं स्लाइस के ऊपर। बहुत ही इजी है, बस दो चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो वेनेगर और दूसरा दूध का। तो देखें हम यहाँ पे इस पे थोड़ा सा चीज़ को मैश कर रहे हैं। बस हम तब तक पकाएंगे जब तक हमारा चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं होता, तब तक हम पकाएंगे। तो इसके ऊपर भी मैं एक स्लाइस का पीस रख रही हूँ। हमने यहाँ पे तवा गरम होने को रखा है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने से क्या होता है कि स्लाइस जो है वो चिपक के ख़राब नहीं होता, इसीलिए। तो देखें बस 5 से 6 मिनट के लिए हम स्लाइस को दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। तो स्लाइस बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं और निकाल लेते हैं। तो आप खुद देखिए इसमें कितना सारा लचीलापन आया है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मोज़रेला चीज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। अगेन फिर से मैं कह रही हूँ कि आप बस दूध का ख्याल रखें और वेनेगर ज़्यादा ना डालें। अगर आप दूध को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो पनीर में तब्दील होगा, वो चीज़ नहीं बनेगी। तो बस इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें। फिर मैं लौट के आऊँगी एक नया रेसिपी के साथ। तब तक आप भी चीज़ बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।